अभी आप सब लोगों को माइक्रोफोन से धन्यवाद जी आपको संबोधित करेंगे। जितने भी साथी इधर उधर खड़े हैं आप ध्यान से सुने, अभी आपको नागौर सांसद रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी माइक्रोफोन से संबोधित करेंगे। पहले तो सबको धन्यवाद कि आप बड़ी तादाद के अंदर यहाँ आए और अपने को ये लड़ाई में जब तक बीपीएस के चुनाव नहीं हो जाते तब तक लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। ये लड़ाई बड़े माफियाओं के खिलाफ है, इसमें हमारे समाज के कई लोग भी इन माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री के खिलाफ लड़ाई है, दूसरे नेताओं के खिलाफ लड़ाई है, आप हिम्मत रखें, प्रभु जी को भी रिहा कराएंगे, खंडार को भी हटवाएंगे, जो जो आपकी मांग है पूरी मनवाएंगे। हमलावर से कई गए उनको सबको गिरफ्तार भी कराएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आप अपना विरोध करें। आवश्यकता पड़ी तो मेरे विधायक भी आएंगे और मैं खुद भी भीखा नहीं रहूंगा। आप लोकतांत्रिक तरीके से करना सारा काम आपके साथ। आपकी बात हनुमान जी तक पहुंची है, कल को किसी भाई को ऐसा नहीं लगे कि आपकी बात हनुमान जी तक नहीं पहुंची है। आपकी चिंता हनुमान बेनीवाल जी जहां भी है वहां बैठे आपकी चिंता कर रहे हैं। आपके लिए उच्च अधिकारियों से हनुमान जी ने टेलीफोन पर वार्ता भी करी है और आप अपनी जो जायज मांगे हैं सारी मांगों पर सहमति कुछ ही देर बाद बन जाएगी। लेकिन आपसे पुनः मेरा अनुरोध इस बात के लिए रहेगा कि आप यहाँ धरने को छोड़कर इधर उधर ना जाए, चाहे आपको खड़ा रहना पड़े, बैठने के लिए जगह नहीं मिले खड़े रहे, लेकिन यहाँ धरना स्थल पर रहोगे तो प्रशासन पर आपका बहुत गहरा दबाव बनेगा। अभी थोड़ी देर बाद हम सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन से प्रशासन को दबाव में आना पड़ेगा और हमारी मांगों पर जल्द सहमति बनेगी। अब छोटेलाल जी आपको पुनः संबोधित करेंगे। मोटा मोटी कर दियो साथियों, मैं आपको बताना चाहूं कि भारतमाला बीकानेर जिले के अंदर निकली है और दिनी लड़ाई आज की आज भी मारी जा